बड़ी बच्ची भी है जो मुखाग्नि दी है में उधर बच्ची छोटी आप लोग बात कीजिए, हम लोग बैठते हैं। पूछ रहे हैं कि आपने कौन गाड़ी चलाई है। सर आप सर कुछ महिलाएं जो है ये मिल के आते हैं तब सब यहीं पर रहिए ना महिला लोग सर 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 प्रमोद जी भैया जिंदाबाद इस तरीके से लीजिए फोटो बोला जाए बिहार के इस तरीके से बिहार के जवान एक आतंकी हमले में शहीद हुए। कल उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। कल मैं वहां पटना एयरपोर्ट पर भी मौजूद था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मेरे संसदीय क्षेत्र से हैं विशाल, पर इसलिए भी कि यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। हम आप सब पूरा प्रदेश पूरा देश, क्योंकि ये लोग सीमा पर मुस्तैदी से अपनी शहादत देकर अपनी जान गंवाकर भी हम लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, अगर ये जवान वहाँ पे नहीं होते तो हमला और बड़ा हो सकता था और आगे तक आ सकते थे। तो इसीलिए इनको जितना नमन किया जाए उतना है, पर ऐसे में दुख होता है जब शहादत होती है। हम लोग को भी उनकी कमी को पूरा कभी नहीं कर पाएगा। आज परिवार के लोगों से भी मिला, परिवार पर जो बीतती है उस पीड़ा को मैं समझता हूँ, और कोई भी शब्द शायद उनके इस दुख को इस पीड़ा को कम कर पाए। घर में छोटे छोटे ऊंचे हैं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर जितना मुझसे इस परिवार के लिए हो पाएगा करने का प्रयास करूँगा। यकीनन बच्चों की जिम्मेदारी ज़रूर लेता हूँ कि बच्चों पढ़ाई उनका जो खर्चा पढ़ाई में जो आएगा, दो उनकी बच्चियाँ हैं, दोनों बच्चियों की पढ़ाई का खर्च मुझे जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्कूल में
बच्चे का एडमिशन करवाया था, तो ये जिम्मेदारी ज़रूर हम लोग पार्टी की से हम सब लोग लेते हैं। कम से कम बच्चों की पढ़ाई में किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। मैं उनको अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ।